Good morning, students. How are you? I hope you all are doing great. So, students, today we are going to do adverbs that is given in your exercise of chapter 3. What are the adverbs? Adverbs are words that tell us more about verbs they tell us when where or how the action of the verb takes place now students before doing it first i am going to explain you with my method okay let's first we have to understand adjectives after doing adjectives we will do adverbs I know that you have done adjectives in your second standard if you remember. But if you don't remember, then listen to me very carefully. Adjectives. What are the adjectives? Adjectives are describing words. Words that describe a noun or a pronoun are called adjectives. अब मैं आपको बहुत ही एक सिंपल वे में ये क्लियर करूँगी ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जा जाए कि डेफिनेशंस के अलावा जब हम एग्जांपल्स करते हैं तो हम बेटर वे से उसको कर पाते हैं वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब मैं आपको फिर दोबारा से बैक लेके जाती हूँ कि नाउन क्या होते हैं नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन और थिंग और प्रोनाउन क्या होते हैं द प्लेस ऑफ नाउन की जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं एग्जाम्पल्स ही शी इट दे यू वी आई ठीक है नाउ लेट सी द एग्जाम्पल इन दिस वे यू विल नो बेटर शालिनी बोर अ न्यू ड्रेस शालिनी वोर अ न्यू ड्रेस वोर क्या है इसमें वर्ब है मेरी ठीक है वीअर वोर वोर वियर क्या है मेरी वर्ब ड्रेस क्या है मेरे नाउन बिकॉज ड्रेस इज अ थिंग नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन ड्रेस क्या है मेरा नाउन न्यू क्या है एडजेक्टिव अब ड्रेस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि ड्रेस कैसी है हाउ इज़ द ड्रेस द ड्रेस इज न्यू सो न्यू इज़ माई एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द नाउन क्लियर टेक अनदर एग्जाम्पल ही हैज़ अ ब्लू पेन वॉट इज़ माई नाउन पेन बिकॉज पेन इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग एंड विच व डिस्क्राइब्स पेन ब्लू पेन कैसा है ब्ल्यू सो ब्ल्यू इज़ माई एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव कौन से होते हैं कि जो किसी भी चीज को किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है रोहन इज अ गुड बॉय नाउ हाउ इज रोहन रोहन इज गुड सो गुड इज माई एडजेक्टिव एंड बॉय इज नाउन एक बार मैं आपको पूरे सेंटेंस में बता देती हूँ कि होता क्या है रोहन क्या है मेरा नाउन इज क्या है मेरी हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इज एम आर हैज वर these are my helping verbs rohan noun is helping verb a article good mera adjective hai noun kya hai boy he kya tha yahan pe pronoun has helping verb article adjective noun क्योंकि ये आपको सारे parts जो है एक sentence के पता होने ही चाहिए मैं आपको सिर्फ adjective करवा दूंगी बाकी आपको पता नहीं कि रोहन क्या है ही क्या है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर ऑनेस्ट सिंसियर इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंट कलर्स भी हो सकते हैं ब्लू रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल नंबर्स ठीक है आई हैव अ वन चॉकलेट तो वन क्या है मेरा एडजेक्टिव है कि चॉकलेट को डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है तो ये जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे हमें पता लगता रहेगा आपको एक्सरसाइजेस जब मैं दूंगी करने के लिए देन यू विल कम टू नो बेटर सर्कल द एब्जेक्टिव रागिनी इज अ क्रिएटिव पर्सन नाउ वॉट इज माई एडजेक्टिव थिंक अबाउट इट क्रिएटिव क्रिएटिव वर्ड इज डिस्क्राइबिंग रागिनी द चाइल्ड इज प्रिटी नाउ प्रिटी इज माई

दिस इज द ऑनली वे टू डिस्क्राइब द एब्जेक्टिव ओके नाउ वी आर कमिंग टू आर एक्सरसाइज एडवर्ब्स दे टेलस वेन वेयर और हाउ द एक्शन ऑफ द वर्ब्स टेक प्लेस इसको भी हम करेंगे बट अगेन लेट सी माई वे एडवर्ब्स एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब कि एडवर्ब क्या है जो कि वर्ब के बारे में ये वर्ब है एडजेक्टिव्स और दो एडवर्ब भी हो सकती है हमारी एक सेंटेंस में ठीक है उनको डिस्क्राइब करते हैं उनको और ज़्यादा हमें एक्सप्लन करते हैं एडवर्ब्स आपने की हैं सेकेंड क्लास में कि आप जैसे सॉफ्ट है तो सॉफ्टली एल वाई लग जाता है हमारा है ना तो ये हमारी एडवर्ब्स होती हैं द लेडी स्पोक सॉफ्टली स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक और स्पोक क्या है हमारी वर्ब सॉफ्टली सॉफ्टली इज माई एडवर्ब अब देखो जब तक हम एडजेक्टिव नहीं करेंगे तब तक हमें एडवर्ब्स का कैसे पता लगेगा नाउ सॉफ्ट सॉफ्ट इज माई एडजेक्टिव सॉफ्ट क्या है मेरा एडजेक्टिव सॉफ्ट से मेरा एडवर्ब क्या बना एडजेक्टिव से सॉफ्टली तो सॉफ्टली क्या है एडवर्ब अगर ये सिंगल सॉफ्ट होता तो यहाँ पे ये होता मेरा एडजेक्टिव नाउ आई हैव टू मेक एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव कि मुझे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनानी है तो मेरा क्या हो गया सॉफ्टली द स्टूडेंट्स रीड द पैसेज केयरफुली नाउ केयरफुली एडवर्ब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसेज कैसे रीड कर रहे हैं हाउ अभी हमने रीड किया ना कि हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस तो बच्चे कैसे रीड कर रहे हैं पैसेज केयरफुली तो केयरफुली क्या है मेरी एडवर्ब एडजेक्टिव क्या था मेरा केयर मैंने केयर से एडवर्ब बना दी केयरफुली द गर्ल्स स्पोक कॉन्फिडेंटली एडवर्ब इज़ कॉन्फिडेंटली स्पोक वर्ब नाउ एडवर्ब क्या है मेरी कॉन्फिडेंटली और एडजेक्टिव इसका क्या होगा मेरा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली यू आर वेरी कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंट उस सेंटेंस में क्या होगा लेट्स सी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट नाउ द कॉन्फिडेंट आप कैसे हो कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंट यहां पे मेरा क्या है एडजेक्टिव ठीक है तो मैंने एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज किया कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब्स नाउ आई एम चेंजिंग एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब्स ग्रेसफुल ग्रेसफुली सिंपल सिंपली सडन सडनली सैड सैडली हैप्पी हैप्पीली इजी इजीली Polite, politely, gentle, gently, heavy, heavily, casual, casually. So, these all are my adverbs and these are my adjectives. Could you make a difference between both adjectives and adverbs? Yes. If you will understand these concepts. Definitely, you will understand in a better way. Now, let's come to your exercise I have given you in homework. Complete the sentences about this picture using adverbs from the box gratefully, very, worriedly, bravely, excitedly. So, these are my adverbs. Sona bravely went to rescue the god. रेस्क्यू क्या होता है कि गॉड को बाहर निकाला सोना ने ब्रेवली द गॉड क्लंग टू सोनाज बैग ग्रेटफुली क्लंग यानी वो जंप करके सोना के बैग पे जो गॉड है वो आ गया था ग्रेटफुली द एनिमल्स वॉश्ड वर्डली ग्रेटफुली क्या मीनिंग था इसका यहाँ पे थैंकफुल होना किसी के लिए ठीक है द एनिमल्स वॉश्ड वर्डली कि सब बड़े वर्डली देख रहे थे They laughed and cheered excitedly as Sona climbed up the river bank. What Sona did was very kind. Circle the correct adverbs within the brackets. Mira woke up early in the morning. She brushed her teeth quickly. She ran downstairs. Downstairs is also my adverb. the adverb of our place. Hai. ठीक है ये जब आपको एडवर्ब्स के बाकी सारे काइंड होंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ मैनर तो उसमें आपको ये करवाया जाएगा ठीक है वट वुड यू लाइक टू डू टूडे आस्ट हर मदर कुड आई वॉट सम कार्टून्स नाउ रिक्वेस्टेड मीरा नाउ दिस इज़ अगेन टुडे नाउ लेटर नाउ ऑल आर दीज एडवर्ब ऑफ टाइम मीरा क्लैब हर हैंड एक्साइटेडली वी कुड टेक आर साइकिल्स इन गो फॉर अ राइड इन द पार्क नाउ वाई डोंट यू डू दैट लेटर इन द आफ्टरनून मम्मी सेड वी विल डू लेटर क्योंकि अगर आज ही मैंने आपको ये सारे एडवर्ब्स के काइंड्स आपको करवा दिए यू विल बी कन्फ्यूज ओके तो स्टेप बाई स्टेप आज हमने एडवर्ब्स को समझा है नेक्स्ट टाइम वी विल डू द अनदर काइंड ऑफ एडवर्ब्स कंप्लीट द स्टेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एडवर्ब्स एडजेक्टिव डीप डीपली प्रॉपर प्रॉपरली मेस मेसिली हंग्री हंग्रेली हेल्दी अब मैंने एडजेक्टिव क्या है मेरा हेल्दी तो मैंने एडवर्व क्या बनाई उससे हेल्थ केयरफुल केयरफुली क्विक क्विकली नॉर्मल नॉर्मली फाइन नाउ वट इज़ योर होमवर्क यू हैव टू डू दीज Adjective and adverbs in your notebooks along with it, which we have done now. this, okay, 10 and eight, 18 total 18 adverbs. You have to do in your notebook and learn it also. Okay, students, if you have any confusion in adverbs or adjectives, you can send me text message only because I am not able to pick up your call. You can send me text message only. Okay students, have a nice day. Bye bye.